दोस्तों मीशो को आजकल थोड़ा सा बवासीर की समस्या हो तो गई है, जैसा कि आप सभी को पता ही चल रहा होगा। और सेलर्स का खून पीने का इसका पुराना आदत है, कभी किसी रीज़न से कभी किसी रीज़न से। लास्ट सीज़न हुआ था कि पूरा अकाउंट ही ये लोग ब्लॉक करके रख देते थे, लेकिन इस सीज़न अकाउंट तो ब्लॉक नहीं कर रहे, लेकिन उससे सिमिलर कुछ मिलती जुलती चीज़, कुछ मिलता जुलता काम ज़रूर कर रहे ये लोग। दोस्तों ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे सेलर्स के साथ हुई पड़ी है और काफ़ी सारे सेलर्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि वो लोग कैटलॉग अपलोड नहीं कर पा रहे। ये एक्चुअली आपका कैटलॉग अपलोड वाला जो टैब होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि आप कोई भी और कैटलॉग ऐड ना कर पाओ। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, अकाउंट आपका एक्टिव है बट कैटलॉग अपलोडिंग ब्लॉक हो गया है, कैटलॉग अपलोड वाला सेक्शन ब्लॉक कर दिया गया है। दोस्तों स्क्रीन पे जैसे कि आप सभी देख सकते हो, इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग रीज़न दिए हुए हैं कि किस किस रीज़न से सेलर्स का ये जो कैटलॉग अपलोड वाला सेक्शन है ब्लॉक होता है। ये रीज़न कई सेलर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं भी है, लेकिन फिर भी उनका कैटलॉग अपलोडिंग ब्लॉक है। ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि मैनुअली कोई मीशो के टीम से चेक नहीं करता कि आप क्या प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही है फिर भी काफ़ी सारे सेलर्स को। और काफ़ी सारे सेलर्स, कहने का मतलब है कि कम से कम 50-60% सेलर्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज के डेट पर कि उनका कैटलॉग अपलोड वाला सेक्शन ब्लॉक हो गया। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप टिकट रेज करिए और एक के बाद एक कॉन्स्टेंटली टिकट रेज करते चलिए, रुकना नहीं है। टिकट रेज करने में आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, इतना सा भी चूकना नहीं है, इतना सा भी टाइम आपको देना नहीं है। मतलब कि दिन का कम से कम 3-4 टिकट रेज करिए, जब तक इनका कोई पुख्ता रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक आप टिकट रेज करिए। एक बार रिस्पॉन्स आने के बाद इनका आपको एक लेटर मिलेगा इनके तरफ से। लेटर क्या है? लेटर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर के देना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको अपना जो भी शॉप का नेम है वो शॉप का नेम आपको सबसे पहले फिल कर देना है। शॉप का नेम फिल करने के बाद आपको अपनी वेंडर आईडी फिल करनी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, काफ़ी सारे सेलर्स टिकट रेज करते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड करते हैं, लेकिन वेंडर आईडी काफ़ी सारे सेलर्स को नहीं पता। इसी कारण से मैक्सिमम सेलर्स का कैटलॉग अपलोड वाला टैब अनब्लॉक नहीं हो पाता। तो ये वेंडर आईडी मिलेगा कहाँ से, वेंडर आईडी पता कैसे चले? आप पुराना कोई भी डाउनलोडेड लेबल अपना चेक करिए। डाउनलोडेड लेबल जब आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आप, एक बारकोड आपको एक तरफ दिखेगा, बारकोड के नीचे AWB नंबर लिखा होता है, बारकोड के नीचे और उसके बगल में कुछ नंबर्स दिए होते हैं। एक तो होता है उनमें से आपका पिन कोड, जो भी आपका एरिया है उसका पिन कोड होता है। पिन कोड के अलावा एक और कोड वहाँ पर दिया हुआ होता है। ध्यान से आप देखोगे तो इस प्रकार से, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो कोड है ये होता है वेंडर कोड। ये आपको मेंशन जरूर करना है, मतलब आपने अपना सेलर नेम लिखा, जो भी आपका शॉप नेम है, शॉप नेम लिखने के बाद ब्रैकेट में आपको ये वेंडर आईडी फिल कर देनी है। वेंडर आईडी जहाँ जहाँ मांगा हुआ है और सेलर नेम जहाँ जहाँ मांगा हुआ है वो दोनों जगह आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप सबसे नीचे आप देखोगे स्टैम्प के साथ सिग्नेचर लगाना है। यहाँ पर सिग्नेचर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग केवल सिग्नेचर करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको स्टैम्प लगाना है सबसे पहले, प्रोपराइटर स्टैम्प है तो प्रोपराइटर स्टैम्प लगा सकते हैं आप। एड्रेस के साथ जो आपका स्टैम्प बना हुआ है उस स्टैम्प को लगा के भी आप सिग्नेचर कर सकते हो उसके नीचे, कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हो। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म ये फिल कर देना है। डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्लियर एक PDF क्रिएट करना है। क्लियर PDF क्रिएट करने के लिए आप किसी भी एप्लीकेशन की सहायता ले सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट MS Word से भी क्रिएट कर सकते हो। इसका PDF के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसी टिकट पे, जिस टिकट पे इनका रिस्पॉन्स आए, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिलेगा, उसी टिकट को रीओपन करके उसके रिप्लाई में आपको ये ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद भी सेम प्रोसीजर आपको दोहराना है कि मतलब एक बार टिकट रेज करके आपको छोड़ नहीं देना है, लगातार कम से कम 3-4 टिकट आप रेज करोगे तो ही जाके बात बनेगी। तो टिकट आप कॉन्स्टेंटली रेज करते रहिए, जब तक आपको रिस्पॉन्स ना मिले तब तक आपको चुप नहीं बैठना है। जितने भी कॉल्स आए सारे कॉल्स आप आराम से अटेंड करिए, सारे कॉल्स अटेंड करने के बाद उनको अपनी प्रॉब्लम समझाइए कि किस कारण से हो रहा है, आपने कोई भी ऐसा इंफ्रीमेंट नहीं किया है, कोई भी फेक प्रोडक्ट नहीं है आपका, या फिर डुप्लीकेसी भी नहीं कर रहे हो आप। ये चीज़ें आपको समझा देना है टीम मीशो को, और उसके बाद
कुछ ही देर में, मतलब विद इन 24 to 48 hours, किसी किसी का 72 hours भी लग जाता है, इसी बीच आपका कैटलॉग अपलोड वाला टैब जो है एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने तरफ से। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करोगे तो हो सकता है आपका कैटलॉग अपलोड वाला सेक्शन ना ओपन हो। और ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने एक बार अपना एक्टिव करा लिया, अपना रीओपन करा लिया कैटलॉग अपलोड वाला टैब, और तो दोबारा बंद नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा भी आपका कैटलॉग अपलोड वाला टैब बंद हो सकता है, क्योंकि कुछ सेलर जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ भी है। कैटलॉग अपलोड वाला टैब एक बार ब्लॉक हो गया, अनब्लॉक हमने करवा लिया, अनब्लॉक करवाने के बाद दोबारा से जब वो लिस्टिंग करते गए, कुछ 15 दिन, 1 month उन्होंने जैसे ही कंप्लीट किया, 1 month या फिर 1 month से थोड़ा सा अधिक हुआ होगा, तो दोबारा से उनका कैटलॉग अपलोड वाला सेक्शन ब्लॉक हो गया। तो दोबारा से अनब्लॉक कराने के लिए सेम वही प्रोसीजर रहने वाला है। और देखो, खून तो थोड़ा सा पियेंगे, बट क्या कर सकते हैं, सेल यहाँ पर आती है, आपका सेल का एक ज़रिया है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के जितने नखरे होते हैं वो तो सहने पड़ेंगे ही जब तक आप थर्ड पार्टी पे काम कर रहे हो। थर्ड पार्टी से आप बाहर जाना चाहते हो, सेल्स अपना बूस्ट करना चाहते हो, अपने एंटरप्राइज का सेल्स आप एक लेवल पे पहुंचाना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी सारे वीडियोस मैं अभी बनाने वाला हूँ इस टॉपिक पे, सेल्स के ऊपर खासकर। पीछे भी मैंने 1-2 वीडियोस बना दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस चैनल पे, तो वहाँ पर भी आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपका भी एक नया स्टार्टअप है, नया बिज़नेस है, जो एक छोटे लेवल से आपने स्टार्ट किया है, आप चाहते हो कि बहुत बड़े लेवल पे ये बिज़नेस आपका जाए, तो उस चीज़ के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। खासकर ये चैनल बना है बूटस्ट्रैप करते हुए बिज़नेस जितने हैं, जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं, जितने भी लोगों ने नया ई-कॉमर्स पे बिजनेस शुरू किया है, उन सभी के लिए और साथ ही साथ पुराने लोगों के लिए भी ये चैनल बिल्कुल उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, किसी भी प्रकार का गैस नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, किसी भी प्रकार का कोई फालतू बात नहीं मिलने वाला है इस चैनल पे, आपको सारे जेन्युइन सटीक तरीके यहाँ पर मिलेंगे, किस तरीके से आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना बिजनेस मेंटेन रख सकते हो, किस तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस आप अपना बना सकते हो और नेक्स्ट लेवल तक आप जा सकते हो। सो इस वाले वीडियो से अगर आपको सीखने को कुछ मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई और भी डाउट है आपके मन में तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट ड्रॉप करिए, मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ता भी हूँ, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, और उन कमेंट्स पे, जिन कमेंट्स पे मुझे लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, उन कमेंट्स पे मैं वीडियो बनाता भी हूँ। सो इसके अलावा मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।